भारत देश में सर्पों का विशेष स्थान है। प्राचीन काल से हमारे देश में नागों की पूजा होती आई है। हमारे पुराणों में भी देवी देवताओं ने इनको अपने जीवन में विशेष स्थान दिया है। अगर आप लोग देखें तो भगवान शिव के गर्दन भी सांप में लिपटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भगवान विष्णु को शेषनाग पर विश्राम करते हुए देखा जाएगा। भगवान शिव की पुत्री भी एक नाग कन्या है और हमारी लोक कथाओं में भी इच्छाधारी नाग नागिन का वर्णन देखा जाता है। दक्षिण भारत में एक शिव जी का एकमात्र मंदिर है जिसमें शिव जी विश्राम मुद्रा में है। वहाँ के लोगों की आज भी मान्यता है कि यहाँ रात में एक इच्छाधारी नाग नागिन आते हैं जो रात में भगवान शिव की सोती प्रतिमा की सेवा करते हैं। उनके पैरों के पास बैठकर भगवान शिव का पैर, सिर और पीठ की मालिश करते हैं, क्योंकि जब मंदिर का दरवाजा खुलता है तो भगवान शिव का करवट बदला होता है। इसीलिए दक्षिण भारत में इस मंदिर का महत्व बहुत ज्यादा है। वही एक बुजुर्ग ने मंदिर से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि एक बार इसी गांव के लोगों ने अनजाने में इच्छाधारी नाग नागिन को मारने का प्रयास किया था, जिसके बाद से मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था और लोगों के बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं खुला। उसके बाद गाँव में चेचक नाम की एक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। गांव वालों को उस समय ये समझने में देर नहीं लगी कि उनसे ये अनजाने में हुई बहुत बड़ी गलती के कारण हो रहा है। उस बुजुर्ग के मुताबिक उस गांव में लोग समझते थे कि शिव की प्रतिमा अपने आप करवट लेती है, इसलिए वो इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते थे। उस समय मंदिर में दरवाजा नहीं था, मंदिर का चौखट खुला रहता था। ऐसे में एक दिन रात में जब गांव का एक ही व्यक्ति जिसका नाम श्रीमाली था, वो रात में अपने ससुराल से अपनी बीवी को और युवा बच्चों के साथ घर की तरफ जा रहा था, तभी उनका परिवार ने देखा कि एक आदमी और औरत रात में मंदिर के अंदर जा रहे थे। ये देख श्रीमाली का परिवार वही रुक गया। श्रीमाली को लगा कि कहीं ये चोर तो नहीं या कोई दुष्ट पति पत्नी जो मंदिर भगवान के मूर्ति को नुकसान पहुंचाने आए हो या दान पात्र से कोई चुराने। श्रीमाली ने अपने बच्चों को तुरंत गांव वालों को बुलाने को भेजा और खुद रुक गया निगरानी करने के लिए। धीरे धीरे गांव वाले वहां आ गए। सबके हाथों में डंडे और लाठियां थी। वो लोग हाथ में लाठियां लिए मंदिर में चुपके से अंदर चले गए और देखा कि वो लोग भगवान शिव की मूर्ति पर राख पोत रहे है, जिसको देख गांव वालों को लगा कि उनकी प्रतिमा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनमें से कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे उन पर लाठियों से हमला कर देना शुरू कर दिया। गांव वालों ने गुस्से को देखकर वो लोग घबरा गए। उनके गायब होते देख गांव वाले डर गए। गांव वाले समझ तो गए कि उनसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब क्या करे। वही भगवान शिव की प्रतिमा भस्म में लिपटी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, गांव वाले जिसे राख समझ रहे थे वो भस्म था। दरअसल वो इच्छाधारी नाग नागिन भगवान का भस्म से मालिश कर रहे थे और फिर उनका दूध से स्नान कराने उनकी करवट बदल देते थे, जिससे भगवान शिव को एक तरफ सोते सोते दर्द ना हो। अगले दिन जब सारे भक्त सुबह मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा पाठ कर उनसे अपने अपराध के लिए माफी मांगे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर में एक विशाल मजबूत दरवाजा लगा है। ये देख गांव वाले अचरज में पड़ गए कि दरवाजा यहाँ कहाँ से आ गया। गांव के युवकों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उनसे दरवाजा नहीं खुला। ये देख गांव वाले समझ गए कि हो ना हो ये काम उन चमत्कारी पुरुष महिला ने किया है और अब हम लोग भगवान शिव का दर्शन नहीं कर पाएंगे। इससे पहले गांव वाले कुछ समझ पाते, गांव में अचानक से चेचक नाम की बीमारी फैल गई। अचानक से गांव में चेचक फैलते देख गांव वाले घबरा गए। वो लोग गांव में ही मौजूद अस्पताल में जाने लगे। देखते ही देखते गांव का अस्पताल चेचक के मरीजों से भर गया। लोगों को टीका लगाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। ये देखकर गांव वाले मंदिर के बाहर लगे भगवान शिव की पूजा करने और क्षमा मांगने लगे। जब रोज पूजा पाठ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो गांव वाले रोने लगे, क्योंकि चेचक के प्रभाव से गांव में अब लोगों की मृत्यु होने लगी थी। फिर एक दिन वहां एक बाबा आए और उन्हें गांव वालों की समस्या पहले से ही पता थी। बाबा ने उसका एक उपाय बताया कि आप लोग इसी मंदिर के दाई तरफ भगवान कार्तिकेय का मूर्ति और बाई तरफ भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान करो और दोनों मंदिरों में सांपों की 100 से ज्यादा आकृति हो। मंदिर बन जाने के बाद गांव में भगवान शिव के नाम से यज्ञ करवाओ और शिव प्रसन्न हुए तो मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। जब दरवाजा खुल जाए तो ध्यान रखना कि शाम के आरती और पूजा के बाद मंदिर का दरवाजा सुबह ही खुलेगा। गांव वालों ने बाबा जी की बात मानकर गांव में मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर निर्माण के पश्चात यज्ञ भी करवाया।
अगले दिन मंदिर का दरवाजा खुल गया और गांव में भी लोग चेचक से ठीक होने लगे। उस बुजुर्ग आदमी के मुताबिक उस गांव में रात होने के बाद अब आज तक कोई नहीं जाता। वो गांव दक्षिण भारत का सबसे मशहूर और समृद्ध गांव में से एक है।